साउथ सिनेमा इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर माने जाने वाले सुपरस्टार प्रभास जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। खबर है कि फिल्म स्टार की शादी को लेकर परिवार में हलचल तेज है और जल्द ही उनकी शादी से जुड़ी और जानकारियां सामने आ सकती हैं। मिली खबर के मुताबिक इस बारे में किसी और ने नहीं बल्कि सुपरस्टार प्रभास की चाची ने पक्की मुहर लगाई है। रिपोर्ट की माने तो फिल्म स्टार प्रभास की चाची और दिवंगत अभिनेत्री कृष्णम राजू की पत्नी श्यामला देवी ने इसका इशारा दिया है। प्रभास की शादी को कर एक मीडिया इंटरव्यू में उनकी चाची श्यामला देवी ने भरोसा दिलवाया कि बाहुबली स्टार जल्द ही शादी करेंगे। एक रिपोर्ट की माने तो सुपरस्टार प्रभास की शादी को लेकर उनकी चाची ने कहा कि दुर्गा माँ का हम पर आशीर्वाद है, भगवान हमारा पूरा ध्यान रखेगा। प्रभास की शादी होगी और ये बहुत जल्द ही होगी। हम आप सभी मीडिया वालों को भी शादी के लिए बुलाएंगे और इसका जश्न मनाएंगे। याद दिला दें कि इससे पहले खुद प्रभास ने अपनी मूवी आदि पुरुष के प्रमोशन इवेंट के दौरान शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर रिएक्ट करते हुए खुलासा कर दिया था कि वो तिरुपति में शादी करेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं तिरुपति में शादी करूंगा। प्रभास का यह बयान काफी चर्चा में भी रहा था। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि फिल्म स्टार प्रभास की शादी किससे होने वाली है। बाहुबली की रिलीज के साथ ही फिल्म स्टार प्रभास का नाम एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी के साथ भी जोड़ा जा रहा है, जबकि दोनों सितारे एक दूसरे को महज दोस्त बताते हैं। इसके अलावा आदि पुरुष के दौरान प्रभास का नाम कृति सेनन के साथ भी जुड़ा था। इन रिपोर्ट पर अदाकार कृति सेनन ने जोरदार खंडन किया था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एक्टर की शादी किस हसीना से होगी। प्रभास की शादी को लेकर सामने आई इस खबर के बाद से हलचल तेज हो गई है कि एक्टर कब शादी करेंगे। इस बीच लोग कयास लगाने लग गए हैं कि वो सलार के रिलीज के बाद शादी कर सकते हैं। प्रभास और श्रुति हसन स्टार निर्देशक प्रशांत नील की मूवी सलार इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।